वगैरह लाइक करते थे? हाँ, बहुत वीडियो वगैरह लाइक करती थी, स्टेटस भी लगाती थी, और बहुत मन भी करता था कि कब मिले। भीड़ है, मर जाएगी, ये हो जाएगी, वो। हम लोग बोले कि मर जाएंगे तो और अच्छी बात है, बाबा के दरबार पे जा रहे हैं, मर जाएंगे, उनके अर्जी पूरी हो जाएगी, ऐसा होगी तो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, भीड़ में ही मुलाकात, बाबा का दर्शन हो गई। तभी ना हम लोग पागल है तो ना आ गए, और जो पागल नहीं वो अपने घर पे आराम कर रहे हैं। सोनी कुमारी, कथा कैसी लगी जो पहली बार जो बाबा है? बहुत अच्छी लगी बागेश्वर बाबा की कथा। कब से देख रहे थे बाबा? बहुत काफी टाइम से, लगभग एक साल से, जब मेरे को जानकारी हुई तब से देख रही हूँ मैं, सोशल मीडिया से देखते आ रही हूँ। वीडियो वगैरह लाइक करते थे? हाँ, बहुत वीडियो वगैरह लाइक करती थी, स्टेटस भी लगाती थी, और बहुत मन भी करता था कि कब मिले। कई बार सोचे भी कि बागेश्वर धाम जाने के लिए, लेकिन बीच में मेरे घर में समस्या हो गई, इसके लिए हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा मैम, एक बार बताएं कि जैसे आप बागेश्वर बाबा को कब से देख रहे हैं, मतलब कब से आप लोग जुड़े? एक साल से जुड़े हुए हैं। हाँ। जैसे आप जुड़े, उसके बाद से कुछ बदलाव आया फैमिली में कोई? हाँ, बदलाव तो मतलब कि अभी सोशल मीडिया से ही कुछ बदलाव आती थी, बट भरोसा हम लोग को बहुत था कि अगर जिस दिन पहली मुलाकात होगी ना, तो इतना भरोसा है कि कुछ चमत्कार जरूर करेंगे। क्या चमत्कार हुआ है? मेरे पापा का ना पैरालिसिस मारा हुआ है, तो वो हाँ क्या हो गया था आपको? पैरालिसिस लगा हुआ है। पैरालिसिस हो गया था, और इसी के चलते विशेष करके हम आए हुए हैं, समझे ना। तो अब पैरालिसिस में अब तो कुछ देखे ताके भी नहीं है, मगर इतना हिम्मत हो गया कि वो फूल जो स्टेज पर दिया गया था, तो फूल लेने के लिए हम तैयार हुए, और उन्होंने फूल फेंका और मैंने कैच कर लिया। मतलब ये वाला फूल आपको वो फेंक कर दिए, तो मेरे पापा राइट हैंड से कैच किए, उसके बाद मेरे पापा कैच कर लिए। तो ये तो आपका, आप बोल रहे हैं ना पैरालिसिस है, तो ये पहले बंद नहीं होता था क्या? नहीं नहीं, पहले से सब कम होता था, चार आना भर और लगता कि है, समझे ना। इसके चलते हमें परेशान लगता है, वजन लगता है समझे ना। इससे इनका वजन कम लग रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं आज हम आए तो कुछ फायदा हुआ है। सच में कुछ फायदा ऐसे ही लगता है कि लगते हुए रहे तो हमको ठीक तो नहीं सुन पता हो जाए। हाँ, पहले क्या ये इनका हाथ नहीं उठता था? नहीं नहीं उठता, उठता था बट उतना नहीं कर पाते, उठती थी बट उतना नहीं उठती थी जितना उठना चाहिए, जितना काम के लिए रहना चाहिए। तो आप लोगों ने तो अर्जी वगैरह भी नहीं बांधी इसमें? नहीं, अर्जी अभी नहीं बांधी, अभी घर से आए हैं। बाबा बोले कि अब घर से ही सब कुछ कीजिए, सब वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, क्या किया था आपने? हमने मन से, दिल से, सबसे आत्मा से हम लोग बाबा से कनेक्ट किए, जोड़े। अब जरूरी भी नहीं है बाबा मेरे जानते हैं या नहीं जानते, कि बहुत भीड़ है, मर जाएगी, ये हो जाएगी, वो। हम लोग बोले कि मर जाएंगे तो और अच्छी बात है, बाबा के दरबार पे जा रहे हैं, मर जाएंगे, उनके अर्जी पूरी हो जाएगी, ऐसा होगी तो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, भीड़ में ही मुलाकात, बाबा का दर्शन हो गई। हाँ, ऐसा क्या है उनके दर्शन में, ऐसा क्या है कि लोग, आप बोल रहे हैं कि आपका थोड़ा सा पहले, आपका ही दावा है कि ये सही हुआ है, लेकिन मेरा ही दावा है कि सही हुआ है, समझ गया। उन्होंने फूल फेंका और मैंने कैच कर लिया, यहाँ से कुछ नहीं बनता था। लेकिन लोग 48 घंटे उनके दर्शन मात्र के लिए रुके रहते हैं, तो ऐसा क्या है? सबका इच्छा होती है, बस दिल में जिसका श्रद्धा लगी हुई होती है, बस उन्हीं का सुनते हैं, ऐसा होता है। जो दिल से मानते हैं ना, तो हर चीज़ मिल जाते हैं। मेरे पापा को ना हम लोग छोड़ करके आगे चले गए थे, और सोच रहे थे कि पापा को कहाँ खोजेंगे, कहाँ भीड़ में नहीं लेके जाने के लिए सोचे थे कि कहीं कुछ हो जाएगा, पैर पे से नहीं चल पाते, मगर पहले आपका ये सच बोल रहे ना, पहले हाथ इतना नहीं उठता था, नहीं उठता था इतना हाथ, नहीं उठता था। अभी भी देखिए आपने तोड़ करके कि कितना वजन है ना, है ना, इसीलिए हम आए हुए हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनसे कुछ कहने के। जो लोग कहते हैं ये बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, ये बाबा ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। करने के लिए आपका भी कर सकते हैं कि आप वीडियो कीजिएगा, और उसके बाद में कुछ और कर सकते हैं,
मगर ऐसा नहीं है। आप सब पे ये डिपेंड करता है कि क्या सोचते हैं, किनके बारे में क्या नहीं सोचते। अच्छा मैम एक बार बताएं, इंडिया में बहुत सारे बाबा हैं, तो इन्हीं के अंदर आपको क्या क्वालिटी या यूनिकनेस लगता है? इन्हीं के लिए वो सारे चीज़ ये गरीबों के लिए सब चीज़ करते हैं। सबसे मेन बात है कि बाबा जो ये हैं छोटे से लेकर के बड़े को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे अच्छा इनमें हमको यही दिखता है। तो लोग कहते हैं पागल, कहते हैं नहीं पागल बोलने वाला वो पागल खुद ही है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग के लिए पागल है, वो अपने चेले के लिए पागल है, पागल है बट हम लोग के लिए पागल है, हम लोग के लिए पागल है। तो मतलब जो पागल वगैरह बोलते हैं उनके प्रति हम लोग पागल हैं और वो हम लोग के प्रति पागल हैं, तब ना हम लोग पागल है तो ना आ गए। और जो पागल नहीं वो अपने घर पे आराम कर रहे हैं। जो आपने ये चीजें बताई ये बिल्कुल सच है। अब कोई विश्वास करे या ना करे, हम तो मेरे साथ में हुआ है तो हम तो बोलेंगे सच है। हाँ सच है, जो भी बातें बताई कोई झूठ नहीं। के अंदर बाबा के आकर शरण में झूठ बोलने से क्या हमको मिलेगा, बाबा जानते हैं झूठ कभी नहीं बोल सकते। उठती थी बट उतना जितना काम करने लायक थी उतना काम नहीं करती थी। आपके पापा को जो आप बोल रहे हैं हम इनके साइड में है, फूल फेंके हैं तो हम इनके साइड से तो ले सकते थे, इनके इनके हाथ तो नहीं उठता था, हम इनके साइड से ले सकते थे बट इन्हीं के हाथ में क्यों गए। मतलब आप ये बोल रहे हैं आप कथा में आए और आपके पापा को आराम मिला है? हाँ मिला है, आराम मिला है। मैम विरोधियों को आप क्या कहेंगे जो लोग पापा का विरोध करते हैं? ये वो गलत नहीं ठहरा है, उनके प्रति अगर लगाव नहीं है तो गलत नहीं ठहरा है किसी के अगर प्रति, वो गलत नहीं है। बागेश्वर बाबा बहुत अच्छे हैं, दिल के भी साफ है और छोटे से बड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, हम लोग को बहुत पसंद पड़ता है, घर में भी दिखाते हैं, सभी लोग बहुत लाइक करते हैं। कह रही थी लास्ट में वो रे विरोधी है वो बाबा के साथ नहीं, अगर उनके प्रति कुछ नहीं बोले बस यही है, गलत बात नहीं बोले। अगर दुश्मनी है तो रखे बस, गलत बात नहीं बोले, अब बुरा भी मत करें। ओके मैम थैंक यू थैंक यू।